अपने महिला को इस्तेमाल किया लिव इन नहीं में सर, रह। इस्तेमाल हमारा हुआ। अरे भाई, जब आप महिला का शारीरिक शोषण कर रहे थे लिव इन में रह के, तो आप माता पिता नहीं देखे थे? और न्यायालय में इंटेंशन दिख सकती है महिला का किस तरीके का है। नहीं, इंटेंशन तो आपका दिख रहा है। बच्चों का कर्म कभी कभी पिता माता पिता भी भोगा पिता करते हैं। 498 FIR। केस नंबर 13A1, पेज नंबर 13 A1। राइट सर, इसमें एक्चुअली रिश्ते कहानी ये आप। है। पहले ओरली बता देता हूँ कि ये लिविंग में रही पे, लिविंग में अच्छा, रहने के बाद मैं इनका शादी करने को तैयार नहीं हुआ। हाईकोर्ट से एक कंडीशन ऑर्डर जारी हुआ कि अगर ये शादी आपके कर, साथ लिव इन में रहे तो जी अगर शादी हुई, अब शादी वो वैसे ही गलत मन से हुई थी शादी दोनों की, फिर इसके बाद ये हुआ स्थिति तो कि सर आपने महिला को जी। इस्तेमाल किया लिव नहीं इन नहीं में सर, रह ऐसा नहीं, के। इस्तेमाल हमारा हुआ। हम थोड़ा सा बता देते हैं पहले नहीं, से, आपने कहा ना गलत मन से शादी हुई थी, तो दोनों में अब जब प्रेशराइज शादी होगी सर, तो मन तो गलत हो गई होगा, निर्मल मन आपने थोड़ा महिला का इस्तेमाल किया। चला सर, ऐसा मान सकते हैं। आपका डेट लॉर्डशिप, इसमें क्या हुआ, उसने 376 की जो रिपोर्ट डाली थी, उसने 376 की रिपोर्ट में मुकर गई, वो कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, हमें 376 से बरी कर दिया, और इसके खिलाफ 211 की कार्रवाई इनिशिएट हुई, इसमें उसको 10 साल की सजा भी हुई है। और फिर इसने अपना ये दबाव बनाने के लिए कि अरे हम, बच्चा ने, आप कह रहे हैं हमारे तो 3 ही साल की सजा है, अब मम्मी पापा भी हैं सब, तो क्या मतलब हो गया? अरे माँ पिता वो फॉर्मली अफेयर मिलेगा ना वहां पे? नहीं मिलेगा। तो जब अपना आप महिला के अपना साथ उसका शारीरिक अपना शोषण, एलिगेशन भी FIR में। मेरे भाई, जब आप महिला का शारीरिक शोषण कर रहे थे लिव इन में रह के, तो आप माता पिता नहीं देखे थे? नहीं सर, शोषण नहीं कर, शोषण की अच्छा, नहीं बात इस्तेमाल कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, जो भी कहना आप कह लीजिए। अब FIR का कंटेंट पढ़ देता हूँ। मम्मी पिता भी, हाँ उसकी बहन, अगर हाँ उसके ये बात तो खिलाफ, सही है। हमने सिर्फ मॉरली प्रश्न पूछे थे, वो नहीं तो सर अरे ठीक है, वो मान रहे हैं कि शोषण कर रहे थे। वो मॉरल पेज प्रश्न है, मॉरल प्रश्न है, तो नंबर 15, वो मॉरल प्रश्न है इसलिए पूछा था जी। पेज नंबर 15 1। 20 से है, 25/12/17 से पढ़ रहा हूँ। 25/12/17 से आवेदिका को शादी उक्त अनावेदक के साथ संपन्न हुई है कि शादी के बाद से अनावेदक विनोद कुमार, उसके पिता लक्ष्मण प्रसाद, उसकी माँ विद्या देवी, अनावेदक की बहन राम देवी को प्रताड़ित करने लगे तथा कहने लगे कि जमानत जमानत के लिए शादी की थी, अब तुझे नहीं रखना, और कहने लगे कि पिता ने 10 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो नहीं रखना। शादी के बाद से उक्त अनावेदक को अपने साथ पोस्टिंग इलाहाबाद ले गया। उसके बाद आवेदिका को वहां से प्रताड़ित करता रहा तथा प्रताड़ित कर कुछ दिन बाद आवेदिका को मायके छोड़ दिया। छुट्टी आने पर 2-3 दिन बाद आवेदिका के मायके आया तो कहता है कि उक्त 10 लाख रुपए जब तक नहीं दोगी तब तक मुझे अपने घर पर नहीं जाएंगे। आवेदिका के पिता की उक्त मांग की पूर्ति करने की नहीं है, जिस कारण उक्त आवेदक ने आवेदिका को साथ रखने से मना कर दिया। नंबर 4, यह कि उक्त पुलिस थाना लोहरा द्वारा 5/5/2020 आवेदक न्यायालय में समक्ष विचारण के दौरान शादी होने पर राजीनामा कर लिया था, जिस कारण अनावेदक को दोषमुक्त किया गया। उक्त दोषमुक्ति के पश्चात से अनावेदक ने आवेदिका को साथ रखने से स्पष्ट मना कर दिया, यह कि आवेदिका ने धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के, जिसे पूरी कहानी लिखा है। एक एलिगेशन जो पिता माता के ऊपर का है, इसके बाद साहब मैंने एक जजमेंट की कॉपी पेश की, इसी में लगा है A2 पेज 43। महिला पर छुट्टी गवाही देने के बाद वो आदेश हुआ, एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया लॉर्डशिप हमने 12/3/2021 को, इसमें भी बताया है कि आवेदक के परिजन के विरुद्ध झूठा दहेज का प्रकरण बनवाने की धमकी दी जा रही है। अगर इसको ये है लॉर्डशिप, मान भी लिया जाए कि हस्बैंड के और उनके बीच में वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन फादर मदर, उनकी जो बहन है वो रहती भी नहीं थी, उनका कोई इस प्रकार का रोल नहीं दिख रहा रोशन। और अगर न्यायालय में इंटेंशन देख सकती है महिला का किस तरीके का है। नहीं, इंटेंशन तो आपका दिख रहा है सर। नहीं सर, इसलिए हम हस्बैंड का नहीं बोल रहे हैं। उस महिला का क्या दुर्गति कर दी आप लोगों ने, जिस महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज सर ये किया। पैसा भी सुनिए लीजिए सुनिए 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 जी। सुनिए, महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज किया इस उम्मीद में कि उसका वैवाहिक जीवन बन जाएगा। वो हॉस्टाइल हुई, जी, उसको 7 साल की जेल करवा दी, और आपने ऐसे उससे कॉम्प्रोमाइज कराया जो कि इलीगल है जी 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 सेक्शन 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लाइन से। आप कहते हैं कि उस महिला का कंडक्ट देखिए, उस महिला ने मात्र हॉस्टाइल हुई थी जिसमें आपने 7 साल की सजा कराई, और हॉस्टाइल इसलिए हुई जमानत थी। भी हमें कराई लॉर्डशिप, वो कोर्ट ने हाँ खुद हाँ हाँ आप तो प्रक्रिया कराएंगे। इनिशिएट हाँ कराई, और फिर हाँ पैसा भी ले लिए हमसे, और फिर अगर, व्हाटएवर इट इज, लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के शरीर का इस्तेमाल करते रहे तब बड़ा मजा आ रहा था। आपका जनरल स्टेटमेंट था, जनरल क्वेश्चन आंसर आ गया सर, तब तो बड़ा मजा आया था सर। फादर मदर का आज कहना आज बड़ी तकलीफ हो रही है कि पैसे ले लिए हमसे।
नहीं तकलीफ हमें इनकी हस्बैंड की तकलीफ भी नहीं है, वो उसको भुगतेगा, लेकिन फादर मदर का तो कुछ कोई पूरी बात पूरे नहीं। ट्रायल में कोई रोल नहीं रखा। अब पूरे परिवार को लेके चलो एक साथ 498 के, चलो कम से कम एक पैनिक बना रहे पूरे परिवार में, पर हाँ वो गलत है। मैं कह रहा हूँ ठीक है वो दोषी है मान लिया, चलो उसने यूज किया उसको उसकी क्या भुगतना चाहिए, लेकिन इनका तो सब कोई रोल ही नहीं है। वो भी अनसाउंड माइंड लेडीज नहीं थी, पूरी पूरी तरीके से 18+ लेडीज मालूम है थी। सर, फादर मदर के बारे में बोल रहा हूँ सर, मैं उसके मामले में और नहीं कह रहा हूँ, मैं वो तो मुझे हस्बैंड। मालूम है कि भी महिला भी जानबूझ के समझ के रिलेशनशिप में आई थी। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि तुम क्यों आई, तो आप क्यों आए ये बात प्रश्न पूछने का अधिकार मुझे नहीं है क्या? सर एक बात अरे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं मान है वो ना, अगर नहीं बन रही थी ना, हमें ये बड़ा आसान है दूसरे की तरफ उंगली उठा देना, पर बड़ा आसान हम भूल जाते हैं कि जब सामने वाले पे उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ रहती हैं। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इफ शी वॉज अ मेजर देन इट वॉज हर वॉलंटरी एक्ट, नो प्रॉब्लम। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो ऐसी है वैसी है, उस पर मैंने पूछा अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह के बहुत बुरी थी तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह के कौन से सुर्ख आपके ऊपर लगे हुए थे? आप भी तो बराबर के बुरे थे, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेजर लड़की की कंसेंट नहीं हो सकती, इट इज देयर प्रेरोगेटिव। प्रॉब्लम ये है कि मर्द करे तो मर्द, और महिला अगर इन्वॉल्व हो जाए तो गलत मानी है वो बात, तो ठीक गलत। ये कौन सा न्याय है सर, सामाजिक न्याय है? बाकी जो बाराती उनको तो ना लपेटो, नाचे कुछ नहीं तो कुछ ये इनका कुछ नहीं। भी थे। अरे यार, आप आपका मजाक वाला क्वेश्चन था, आज मजाक वाला आंसर है। इनका देख लिया देखता जाएगा मैं देखता मैं देखता हूँ। मुझे इस बात का बुरा लगता है जी। जब ताली दोनों हाथों से बजती है, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही एक गलत फिर नहीं हो सकता। अब इनकी गलती के चक्कर मैं में वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा हूं, एक जनरल बात कह रहा हूं। शुरुआत तो हर आदमी करता है, ये बात सही। मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर भी कोई भी लांछन नहीं लगा रहा, एक भी शब्द नहीं कह रहा। जी जी मेरा कहना है या तो दोनों सही है, लिव इन रिलेशनशिप में दोनों सही है, या दोनों गलत है। एक पक्षकार दूसरे को गलत नहीं बोल सकता, ये मेरा मानना है, बस इतनी सी बात है। चल एज देख लें, एक बार 63 साल है पिता की, माता की 57 साल है, और बहन मैरिड है 32 साल पर है। बच्चों का कर्म कभी कभी पिता माता पिता भी भुगत पिता लेते हैं। चलो मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। सर 130 30 श्री रवि शंकर यादव दिग्विजय सिंह, लास्ट डेट ऑफ फ्री द डायरेक्टेड बाय द संबल कुट टू फाइल द स्टेटस।